forte, forte, forte pra dar forte, forte, forte pra dar सबर करो अभी तुम इनके कॉम्पिटिटर को देखो विनोद क्लिप लगा भोंसड़ी के I am a devil of my हाँ तो हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई आज की वीडियो थोड़ा अश्लील होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में रोस्ट होने वाली एक शेरनी है तो दूसरी सवा शेरनी कुछ भी। और मेरी इन पे वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि इनकी मदर डैडी पे बैन लगाया जाए क्योंकि दिन पर दिन इनकी वीडियो कुछ ज्यादा ही अश्लील होती जा रही है। तो जो कह रहे थे ना कि भाई मदर डैडी पे वीडियो बनाओ मदर डैडी पे वीडियो बनाओ तो भाई ये रहा तुम्हारा वीडियो प्लस डबल धमाका के साथ। सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया लड़की का चक्कर में मार हो गया बारिश में भीग के गए हम मिलने। तो जनता लोग ले लिया मजा अब मेरा डायलॉग सुनो। तो मैडम तुम दोनों की वीडियो इंस्टाग्राम पे धब्बा है धब्बा। तुम जैसी लड़की हमारे सूखे लंडों को गीला करती है और अगर तुमको कोई रोस्ट कर देता है तो तुम उसके गान में घुस जाती हो। मींस तुम्हारी इज्जत उतना ही है जितना हमारे इस भाई का है मतलब कुछ नहीं क्योंकि गाने के नाम पे अपना स्तन दिखाना इज नॉट अ कंटेंट। कभी कभी लोग ये सब देख कर टूट जाते हैं और उनके सबर का बांध बाथरूम में छूट जाते हैं। मेरी रानी मेरी टुम्पा और भूल के ये ना कह देना कि तुम्हारी नजर ही गंदा है। नहीं हम ना वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में अपना कल्चर भूल रहे हैं। हमें अमेरिकन कल्चर नहीं अपनाना चाहिए बल्कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि अमेरिकन हमारा कल्चर अपनाए। अब मॉडर्न बनना है तो बनो पर उसके चक्कर में अपना कल्चर क्यों भूल रहे हो भाई। आय हाय क्या मुस्कुराई है। मैडम आपके पास कोई सोना नहीं है जिसको देख के हम अपना मन बहलाएंगे। आपके पास जो है वो सबके पास होता है इवन लड़कों के पास भी। अबे साले नहीं भाई ये सब गलती हमारी है और इसकी ऑडियंस मादरचोद। अबे भाई तुम इंसान के नाम पे धब्बा हो धब्बा। तुमसे बड़ा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा क्योंकि जिस दिन तुम समझ गए ना कि बॉडी के पास सिर्फ पार्ट होता है उस दिन इनकी कोई औकात भी नहीं रहेगी। जब चार लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए ना तो समझ जाना वो चारों लोग मादरचोद हैं। भोसड़ी के काम से काम मतलब नहीं रखते। अच्छा ठीक है जब चार लोग बुराई करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो चारों लोग मादरचोद हैं। पर जब 40,000 लोग बुराई करेंगे तो सामने वाला ही मादरचोद हुआ ना क्योंकि 3 या 4 लोग गलत हो सकते हैं पर 40,000 लोग तो गलत नहीं हो सकते। सो मैडम ये जो आपका फैक्ट है ना इसकी बत्ती बनाओ और डालो इसकी गांड में। अबे साले क्योंकि कैरी मिनाटी ने बोला था कि अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो क्योंकि दुनिया मादरचोद थी मादरचोद है मादरचोद रहेगी और आपकी जनता कुछ ज्यादा ही मादरचोद है। अलेक्सा मेरी तारीफ करो। अबे चल हट भोसड़ी वाली। बताओ एलेक्सा भी इनकी इज्जत नहीं कर रही है तो हमारी बात तो अलग है। और ये मैडम ना इस दुनिया का नहीं है भाई ये ना किसी लॉरेंस ग्रह की है सला वहाँ से पृथ्वी पे आके हमसे ऐसी बकचोदी पेल रही है। मतलब अरे भाई तुमको अच्छा काम करना चाहिए लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहिए पर नहीं इनको तो अपना कबाड़ खाना दिखाने से फुर्सत ही नहीं है बहन चोद। आई डू बिलीव इन सोलमेट इट्स लाइक तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ। इसे कहते हैं मच्छरदानी में फंसी एक मच्छर जो इंसानों का डाटा ऐसे चूसती है कि जैसे हम चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम चूसते हैं। और इसका टैलेंट आए हाय एक बार फिर से देखो। इनमें ही डूब के हो जाऊं पार यही है दुआ। मैडम कहो तो ऑस्कर के निर्माता से बात कर लूँ आपके लिए क्योंकि आपका टैलेंट ऐसा टैलेंट है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा बहन चूत। आपकी इतना खतरनाक टैलेंट देख के मेरी गान फट गई है भाई। तो ऐसे ही करते रहिए मेरा विश्वास है कि आप एक दिन हॉलीवुड में जरूर जाएंगी। कुछ भी बोर हो रहे हो जिप खोलो हाथ अंदर डालो बुक्स निकालो और पढ़ लो एग्जाम्स आने वाले हैं ठरकियों। नाइस वेरी वेरी नाइस मतलब इसको पता है कि मेरी ऑडियंस ठरकी है और इसको कहते हैं अपनी ऑडियंस को अपने इशारों पर नचाना। मानना पड़ेगा यार दीदी के दिमाग को मतलब इसको पता है कि जब तक मैं ऐसे मछली की तरह मटकूंगी तब तक मछुआरे मेरे पे नजर रखेंगे। और इसकी ऑडियंस को लगता है कि हम बहुत होशियार है। अरे तुम लौड़ा हो क्योंकि तुमको पता भी नहीं और तुम्हारा यूज तुमने कहा सुना है कि पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना लंबा तुम्हारा चादर है। पर इस फिल्म में मैं इसके कपड़े के बारे में नहीं बोलूंगा और ना ही इसके ऑडियंस के बारे में बोलूंगा। मैं बोलूंगा जो ये कर रही है उसके बारे में। तो मैडम यहाँ पे कोई चूतिया नहीं है सबको पता है आप क्या कर रही है और क्यों कर रही है क्योंकि जब लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है ना तो कुछ ना कुछ तरकीब निकालते हैं इंटरनेट पे हगने या फेमस होने की। हम इतने हसीन तो नहीं कि हम पे हर कोई फिदा हो जाए मगर हाँ जिसे हम आंख भर के देख ले उन्हें हम उलझन में डाल देते हैं। उलझन की बात तो अलग है बट आपकी ये तीखी ठुड्डी देख के किसी के भी गान के चिथड़े हो जाएंगे। मींस कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपकी ये तीखी ठुड्डी देख के ही वाज लाइक यार तेरी ठुड्डी तो बहुत तीखी है मैं इससे प्याज काट सकता हूँ मतलब जब भी मुझे कुछ काटना होगा तो तेरी जॉलाइन से काट लूंगा।
अंकल। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? फालतू बात नहीं। फालतू की बात छोड़ो, पर मैं ये क्या देख रहा हूँ, जैसी पूनम फुल पैक्ड, वो भी पूरे कपड़ों के साथ। विनोद, आरती की थाली ला भोंडी के, मैं इसकी आरती उतारूंगा। मालिक रहने दो, वो देखो। ये नहीं सुधरेगा भाई, ये नहीं सुधरेंगे। इनका पता चले ना तो इंस्टाग्राम को ही अश्लील घोषित कर दे। चला मार्क जकर बकवा ही असली जड़ है ना, वो लाता इंस्टाग्राम रील और ना ये मैडम देती अपने कपड़ों में ढील। कल देख के चुपते थे, अब देखते हैं चुप कर, कल देख के। वाह क्या बात है, कल देख के छुपते थे आज छुप के देखते हैं। वैसे ये मैडम ने जो कहा ना वो एकदम सही है, क्योंकि क्या छुप के देखती है ये, और साथ ही लोग इनका टैलेंट देख के पागल हो जाते हैं। बहन चोर आए हाय, नजर ना लगे तुझे भाई, 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 भाई। देखो भाई, अश्लीलियत के कंपटीशन में इसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जहाँ पे जाने के बाद इसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए 600 से 1800 रुपए देना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है, बट ये मैडम के पास ना बहुत ही दिमाग है, मानना पड़ेगा इसको। बेंचो सबका कंटेंट इम्प्रूव हुआ है, यहाँ तक चोमू का भी, पर इनका मजा है कि ये कुछ अलग करें। इनको मटकना ही आता है भाई, और साथ ही जिस चीज को इनको नहीं मटकाना चाहिए उस चीज को और मटकाते हैं। मतलब लड़कियों का नाम खराब करके रखा है इन लोगों ने। और जब ये कोशिश भी करते हैं अपना कंटेंट चेंज करने की, तो हमारी ठड़की जनता इनको लाइक नहीं करती। तो अब ये करे भी तो क्या करें, अपने कबाड़ खाना को दिखाने के अलावा। बस भाई बस, ये मेरी इन पे लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर मैंने इनको ज्यादा रोस्ट किया तो बैंचर मैं ही अश्लील हो जाऊंगा, तो मेरे को ये रिस्क नहीं लेने का है। बस गांड फट गई। हाँ भाई फट गई मेरी। और हो सके तो तुम भी इनको ना देखो, अनफॉलो करो इनको, क्योंकि इनकी अश्लीलियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन आएगा कि इनका अश्लील बना इतना बढ़ जाएगा कि ये सब देख के तुम्हारी गांड फट जाएगी। सो प्लीज बंद करो ये सब। बाकी आज की मधुरी यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इनके हेटर्स लोग अगर इस वीडियो पे 500 डिसलाइक हो गए तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो भाई मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो मधुरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग। बाय। विनोद, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई, पैसा लग रहा है क्या आजकल?